ये ईवीएम का आंदोलन जो है कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। तो एक इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो ईवीएम को ईवीएम के अंदर जाके भी घुस के भी हरा सकता है, उसमें सबसे देश में सबसे अच्छा आदमी मुझे माना गया। रामपुर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंप है उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस सीट को लड़ने। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, कानूनी तौर पर इसीलिए मुझे चुना गया ना ये मुश्किल सीट से जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, कि कानूनी तरीके से, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा आप सब लोगों के सामने आने वाले दिनों में। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। कभी आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर से आज हर कोई चुनाव लड़ने की फिराक में है। यहां तक कि सपा से ही दो प्रत्याशियों मोहिबुल्ला नदवी और असीम राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के अम्बेडकरवादी वकील महमूद प्राचा ने भी निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले वकील साहब अपने दूसरे साथी भानु प्रताप के साथ ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। भानु प्रताप मेरठ से टिकट लेकर चुप हो गए तो भला महमूद प्राचा कैसे पीछे रहते। उन्होंने रामपुर को चुना और आकर अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के बाद भी वकील साहब ईवीएम से चुनाव होना गैर कानूनी बता रहे हैं। पूरे देश में जो ईवीएम का आंदोलन चल रहा है, जिसका मुझे मेन चेहरा या मेन सिपाही माना जाता है, वो पूरे ईवीएम के जो भी जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने ये पूरा सबने मिलकर तय किया कि एक आदमी हमें ऐसा चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सारी, उन्होंने सहयोग तो किया लेकिन सड़क पे आके सहयोग नहीं किया हम लोगों का। तो ये ईवीएम का आंदोलन जो है कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। तो एक इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो ईवीएम को ईवीएम के अंदर जाके भी घुस के भी हरा सकता है, उसमें सबसे देश में सबसे अच्छा आदमी मुझे माना गया। दूसरा ये था कि आप ऐसी मुश्किल जगह से चुनाव लड़ें जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट हो, जहां पुलिस और प्रशासन का एकदम डर और टेरर हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को भी दूर करने में संवैधानिक और कानूनी रास्ते से आप सबसे अच्छे आदमियों में से एक माने जाते हो देश के। तो इसीलिए रामपुर चुनी गई है, सारे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने चुनी है ये, कि रामपुर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंप है उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस सीट को लड़ने से, पहली बात सबसे महत्वपूर्ण ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो इतने सीनियर लीडर हैं, आपने भी उनके बारे में बताया भी, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा यहाँ की ज़मीनी हालात के बारे में, कि यहाँ के जो अधिकारी थे 3 साल की जगह उन्हें 5 साल तक इसीलिए रखा गया कि वो चुनाव में वैसी ही गड़बड़ी और धांधली कर सकें जिस तरीके की पिछली बार की गई थी। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है इस बात के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालने आए, ये बात तो सही है ना, वोट ज़्यादा डालें, इसके लिए इतने हज़ारों करोड़ रुपए कैंपेनिंग चलती है, बड़े बड़े फेसेस इसके लिए एंगेज किए जाते हैं। और रामपुर में क्या हुआ, देश के बाकी जगह भी हुआ, जो कमज़ोर वर्ग थे उन्हें घरों के अंदर से निकलने नहीं दिया, ऐसी खबरें हमारे पास आई। तो इसलिए भी मुझे चुना गया है कि मैं इन सब चीज़ों को रोक लगाने में देश का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूं। तो मैं ये ऐलान करता हूं यहां से, आज के बाद रामपुर में संविधान और कानून का राज चलेगा, किसी की गुंडाई, चाहे वो वर्दीधारी गुंडे हो या दूसरी तरह के गुंडे हो, गुंडाई नहीं चलेगी, इस बात का ऐलान करने में आया। उनके चुनाव लड़ने की इस घोषणा ने रामपुर के चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। फिलहाल अब देखना है कि इस लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।